वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने हाथरस कांड में मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। सांसद आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर वह हाथरस कांड में बदायूं और संभल दोनों जिलों के जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके परिवारों से मिले। साथ ही सपा की ओर से यह विश्वास भी दिलाया गया कि आगे भी पार्टी हर मुमकिन तौर पर उनके साथ खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि हाथरस में जुलाई महीने में एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश हुआ था, एक कमेटी बनी थी जिसके तहत हम सभी लोगों को उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया था हाथरस के कांड में, उन सबसे मुलाकात करनी थी। और पार्टी की तरफ से जो निर्देश हुआ था कि 1 लाख रुपए की धनराशि से परिवार की मदद करने का बात हुई थी, तो उसी को हम लोग चेक देने के लिए हम लोग सबके परिजनों के घर तक गए थे, जिसमें मैं खुद बदायूं से था और जियाउर रहमान साहब जो कि संभल से सांसद हैं वो थे, राज्यसभा सांसद हमारे जावेद अली साहब, जावेद अली खान साहब थे, और साथ ही साथ इकबाल महमूद साहब जो विधायक हैं आप भी हम लोग के साथ। और एक बड़ी कमेटी थी जिसमें हमारे दोनों जिले संभल के और साथ ही साथ बदायूं के जिला अध्यक्ष और सभी पूर्व विधायक तक इसमें शामिल रहे, और हम लोगों ने जाके चेक दिए और परिवार को भी भरोसा दिलाया कि उन लोगों के साथ हर मोड़ पे हम लोग खड़े रहेंगे। दोनों जिले में कितने लोगों को चेक बांटा? दोनों जगह मिला के लगभग 6 परिवारों को हम लोगों ने चेक दिए हैं, और कोशिश यही रही है कि चेक के साथ साथ एक सहानुभूति का संदेश भी लोगों तक हम लोग पहुंचा सके। बांग्लादेश में कोलकाता में इतनी बड़ी घटना हुई, लगातार इंटरनेशनल संस्थाएं उसका विरोध कर रही हैं, क्या कारण है समाजवादी पार्टी अंतर्गत? देखिए, ये इंटरनेशनल मामले हैं, जहां तक इसकी बात है इसमें तो सरकार को जवाब